हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ 2-in-1 रेसिपी, जिसमें एक ही रेसिपी में आप दो अलग तरह का स्वाद पाएंगे। इसके लिए मैंने जिमी कांदा लिया, जिसे धोकर मैंने उबालने के लिए चढ़ा दिया है। उबल जाने के बाद इनको छानकर एक प्लेट में बाहर निकाल लेना है। फिर उसके बाद सारे जिमी कांदा को हल्का क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है। जब इसका अच्छा सा कलर आ जाए और अच्छे से फ्राई हो जाए, इसके बाद सब बाहर निकाल लेना है। इसके बाद गर्म तेल में खड़े मसाले डालने हैं, साथ ही पेस्ट भी डालना है। पेस्ट के लिए मैंने अदरक लहसुन प्याज टमाटर इनका पेस्ट तैयार कर लिया था। इसके बाद थोड़ी मसाले डालने हैं, हल्दी धनिया जीरा और मिर्च पाउडर। इसके बाद मसाले अच्छे से भूनकर इसमें पानी मिलाना है और फिर सारे जिमी कांदा को डालकर लास्ट में धनिया पत्ती डालना है। बस हो गई पहली रेसिपी तैयार। अगर आपको पूरी रेसिपी डिटेल में जानना है तो आप मेरे इसी चैनल पर देख सकते हैं, आपको पूरी रेसिपी मिल जाएगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।